हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है आईपीसी में, सीआरपीसी में और सीपीसी में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना कि आपके माइंड में कोई डाउट ना रह जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे इंडियन लॉ में दो तरह के लॉ हैं, एक सिविल लॉ एक क्रिमिनल लॉ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिविल लॉ की। अगर मैं बात करूँ सिविल लॉ की, तो सिविल लॉ होता है जहाँ पर मैटर होता है प्रॉपर्टी का, पैसों का या शादी का। सिविल लॉ के कुछ एग्जांपल्स हैं प्रॉपर्टी लॉ और द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की हम कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, कुछ हम एग्रीमेंट बनाते हैं, कुछ हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बनवाते हैं, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। तो जो ये हिंदू और मुस्लिम लॉ है ये भी आते हैं सिविल लॉ के अंडर। ये तो हो गया सिविल लॉ। अब सिविल लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि ये लॉ है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो सिविल लॉ के अंडर आता है, उस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में लिखा हुआ है इंजंक्शन कि हम इंजंक्शन ले सकते हैं। और इंजंक्शन क्या होता है और कितनी तरह की इंजंक्शंस होती हैं, और हमें इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे लेना, किसी प्रॉपर्टी पर स्टे लेना कि अब उसके ऊपर स्टे लग जाएगा कि उसके ऊपर अब आगे कुछ काम नहीं होगा। पर आप ये जो इंजंक्शन है ये कैसे ले सकते हैं, एक ये प्रोसीजर है इसका लेने का। अब जो ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर किस में लिखा हुआ है, सीपीसी में। तो एक सिविल लॉ हो गया, और सिविल लॉ के अंदर किस प्रोसीजर में वो लॉ चलेगा वो लिखा हुआ है सिविल प्रोसीजरल कोड में, जिसको हम सीपीसी बोलते हैं। और जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था इंजंक्शन का, तो अगर हम इंजंक्शन फाइल करते हैं वो होगी ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 रेड विद सेक्शन 151 सीपीसी। तो अब हम ये सीपीसी के अंडर वो एप्लीकेशन लगाएंगे। पर जो इंजंक्शन के बारे में लिखा था वो कहाँ लिखा था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। पर उसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर किस में लिखा है, सीपीसी में। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्ट्रैक्ट था, अब कॉन्ट्रैक्ट टूटा। अब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ लिया। अब वो जब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो उसका हम केस डालेंगे। अब केस का क्या प्रोसीजर होगा, वो किस में लिखा है, सीपीसी में। तो एक सिविल लॉ हो गया, और सिविल लॉ का जो प्रोसीजर है, किस प्रोसीजर से वो केस चलेगा और कौन सी एप्लीकेशन हम किस सेक्शन के अंडर लगा सकते हैं, ये सब कुछ किसके अंदर है, सीपीसी में, सिविल प्रोसीजरल कोड के अंदर। सिविल केसेस को, सिविल लॉ को हम हिंदी में दीवानी मुकदमा भी बोलते हैं या दीवानी भी बोलते हैं। और अब हम बात करते हैं क्रिमिनल की। क्रिमिनल लॉ वो है जिसके अंदर क्राइम इन्वॉल्व होता है। अब क्राइम हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी की चोरी कर ली या किसी ने किसी के पैसे खींच लिए, ये सब किस में आया, क्रिमिनल लॉ के अंदर। और जितने भी क्राइम्स हैं ये किस में डिफाइन किए हुए हैं, आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सेक्शन 300 की, तो उसमें लिखा हुआ है मर्डर, कि हम मर्डर किसको कहेंगे, ए ने बी को मारा, वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो वो मर्डर हो गया। तो ये सेक्शन 300 में लिखा हुआ है। और सेक्शन 302 जिसको हम 302 बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है पनिशमेंट, कि अब आप मर्डर कर दिया तो मर्डर की कितनी पनिशमेंट होगी, वो लिखा हुआ है सेक्शन 302 में। किसी ने मर्डर कर दिया, अब मर्डर हो जाने के बाद कोर्ट में जब एक्यूज्ड को लेके जाएंगे तो जितना भी प्रोसीजर चलेगा, तो ये जो सारा प्रोसीजर है क्रिमिनल लॉ का, जो सारा प्रोसीजर है वो किस में लिखा हुआ है, सीआरपीसी में, जिसे हम बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई क्राइम हो गया और एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया, अब हमें उस एक्यूज्ड की बेल फाइल करनी है, रेगुलर बेल, तो हम वो फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 437 अगर वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में है। अगर वो सेशन कोर्ट में है तो हम फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी। तो जो ये प्रोसीजर है कि हम कैसे बेल फाइल कर सकते हैं और कैसे बेल मिलेगी, तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये लिखा हुआ है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, जिसको हम सीआरपीसी बोलते हैं। और क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है, 1 साल की, 2 साल की, 1 महीने की, 2 महीने की, या लाइफ इम्प्रिजमेंट या हैंग टिल डेथ प्लस फाइन। अगर हम सिविल के रिलीफ की बात करें, तो सिविल के रिलीफ का अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, अब ऐसा नहीं कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उसको पनिशमेंट मिलेगी कि उसको जेल में डाल देंगे, उसको जेल में नहीं डालेंगे, उसको आपको डैमेजेस देने होंगे, वो आपको डैमेजेस देगा। तो जो सिविल लॉ है उसमें आपको जो रिलीफ मिलता है वो मिलते हैं डैमेजेस, अगर वो पैसे नहीं देता तब उसको जेल में डालेंगे, डायरेक्टली उसको जेल में नहीं डाल देंगे। पर क्रिमिनल में क्या होता है, आपने कोई क्राइम किया और आप कन्विक्ट हो गए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। पर सिविल केस में अगर आपके अगेंस्ट केस गया तो आपको डैमेजेस देने होंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक
डील करी आपने एक प्रॉपर्टी लेने के लिए, डील करी आपने, उसको टोकन मनी दे दिया, और जब रजिस्ट्री का टाइम था तो उसने रजिस्ट्री नहीं करवाई पर आपने टोकन मनी दे रखा है, और उसके बाद आप कोर्ट में जाएंगे, तो आप दो तरह का रिलीफ मांग सकते हैं। या तो अपने डैमेजेस मांग सकते हैं कि जो आपने पैसे दिए वो आपको पैसे वापस मिल जाए, या आप उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं कि जो जिस प्रॉपर्टी के लिए मैंने पैसे दिए थे वो प्रॉपर्टी मेरे नाम रजिस्ट्री करवा दी जाए। तो जो सिविल लॉ में रिलीफ है वो है या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या डैमेजेस, और क्रिमिनल में पनिशमेंट मिलती है। तो ये है डिफरेंस आईपीसी और सीआरपीसी में, और सिविल लॉ और सीपीसी में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। और सिविल लॉ के जो प्रोसीजर है वो लिखा हुआ है सीपीसी में, क्रिमिनल लॉ डिफाइन है आईपीसी में, और उसका प्रोसीजर दिया हुआ है सीआरपीसी में, जिसको हम बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और इसको हम बोलते हैं सिविल प्रोसीजरल कोड। और आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिविल केसेस क्या होते हैं और क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, और आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है और सीपीसी क्या है। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक गोलीगल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारी लीगल स्टडीज और लीगल सर्विसेज जानने के लिए विजिट करें www.thegoligal.com। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।